टेबल पे आप लेट गए, टेबल मूव करेगा इनसाइड, यहाँ पे कैमरा घूमेगी और एक इंजेक्शन देंगे एंड विद इन 2 मिनट्स यू विल नो हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर। ये मशीन आजकल हर जगह अवेलेबल हो गया, बड़े बड़े हर सिटी में इंडिया में है, कुछ भी नहीं करना होता है, जाओ लेटो, एक इंजेक्शन देंगे वो और एक एक्सरे लेंगे और आपको बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है। और ये ट्रीटमेंट काफ़ी इजी हो गया, अब आज हार्ट की बीमारी को देखना समझना या बीमारी है या नहीं है या ब्लॉकेज कितनी है, 10% है, 20% है, 50% है, ये जानना बहुत सरल हो गया है। कोई भी नॉर्मल आदमी जाके ये ट्रीटमेंट, ये टेस्ट करवा सकता है और ये टेस्ट आज बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि पब्लिक डिमांड है, पब्लिक नहीं चाहती है कि तार घुसा के एडमिट करके एंजियोग्राफी किया जाए। और उस हॉस्पिटल में जब एंजियोग्राफी होती है उसके बाद डॉक्टर डराते हैं, धमकाते हैं कि आपकी बहुत ख़राब कंडीशन है, अभी ऑपरेशन होगा, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं आपको ब्लॉकेज रेडियोलॉजिस्ट लिख के दे देंगे कि इतनी इतनी ब्लॉकेज है एंड यू नो द ब्लॉकेज। डिसीजन क्या करना, आगे क्या करना, कौन सा ट्रीटमेंट करना, वो आप डिसाइड कर सकते हो, हार्ट के पेशेंट डिसाइड कर सकता है या डॉक्टर से कंसल्ट करके अल्टीमेटली डिसाइड कर सकता है कि उसको किस तरफ जाना है। ये नहीं कि एंजियोग्राफी में जो आजकल होती है हॉस्पिटल में चले जाओ और वो इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके बोलते हैं आप घर नहीं पहुंचेंगे, वेरी क्रिटिकल कंडीशन और बहुत ही ख़राब कंडीशन, आपको ऑपरेशन करना होगा, ये आजकल कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी सीटी एंजियोग्राफी कराए, और इस टेस्ट का दाम काफ़ी कम हो गई है, पहले ये 15,000 तक का होता था, अब ये टेस्ट काफ़ी सस्ती हो गई है। हम लोग साउल के रिकमेंडेशन से हम लोग 6,000-7,000 में कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद हर जगह करवाते हैं एंड इट इज़ अ वंडरफुल टेस्ट। हाँ, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट को ये टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो कम्पीट कर रहे हैं एंजियोग्राफी के संग। कार्डियोलॉजिस्ट से आप जाके पूछेंगे सर ये टेस्ट कैसा है, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे, थोड़ा आनाकानी कर देंगे क्योंकि उसमें एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है और उनके आप कब्जे में नहीं आ सकते क्योंकि एंजियोग्राफी के वक्त वो एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करके टेबल पे रख के बोलते हैं इतनी इतनी ब्लॉकेज, अभी एंजियोप्लास्टी करना है, बाईपास सर्जरी करना है, तो ये झंझट से भी आप मुक्त हो सकते हैं। आपको ब्लॉकेज पता करना है, सीटी एंजियोग्राफी इज़ द बेस्ट टेस्ट। ये टेस्ट कराने के लिए आप हमारे साउल के कोई भी ऑफिस में बात कर सकते हैं, वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ से फ़ोन नंबर निकाल लीजिए, हमारे रिकमेंडेशन से ये टेस्ट 6,000-7,000 में हो जाती है। आज अमेरिका, वर्ल्ड भर में ये टेस्ट पॉपुलर हो रहा है एक्सेप्ट फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट, सारे लोग ये टेस्ट चाहते हैं क्योंकि इसमें एडमिशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और ये एक्यूरेट के हिसाब से एंजियोग्राफी के बराबर होती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं एंजियोग्राफी का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की एक्यूरेसी सेम है। आप कभी एंजियोग्राफी का रिपोर्ट देखिएगा उसमें ब्लॉकेज लिखा होता है 70%, 80%, 90%, कभी ये नहीं लिखते 73.9, 82.3, क्यों? क्योंकि उसमें भी एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी यही है कि 10%, 5% आगे पीछे हो सकता है ब्लॉकेज, फिर भी अगर आदमी को पता चल जाए मेरे 50 ब्लॉकेज है, 60 ब्लॉकेज है, 70 ब्लॉकेज है, 80 ब्लॉकेज है, ये भी काफ़ी है। और ब्लॉकेज की लोकेशन एग्जैक्टली समझ आ जाएगी, ऊपर की तरफ ब्लॉकेज है, नीचे की तरफ ब्लॉकेज है, तो ये टेस्ट काफ़ी है एक आदमी को हार्ट की बीमारी डायग्नोसिस करने के लिए। ये टेस्ट आप हमारे कोई भी सेंटर से बहुत सस्ते में रिकमेंड करवा के करवा सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। इस टेस्ट को आप जरूर लोगों को बात करें इसके बारे में, दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर हार्ट पेशेंट।